तो दोस्तों ये डैश कैम हमें ऑनलाइन अमेज़ॉन से प्राप्त हुआ है। लोकल मार्केट में ये कैमरा नहीं मिल रहा था, 70mAi प्रो प्लस प्लस। देखिए क्या क्या इस कैमरा में मिलता है। ये है 2.7K वीडियोज़ और ऐप इनेबल्ड है, डुअल चैनल रिकॉर्डिंग है और बिल्ड इन विद GPS सिस्टम, अडास के साथ GPS सिस्टम इस कैमरा के अंदर आपको मिलता है, जिसके काफ़ी अच्छे फीचर्स इस कैमरा के अंदर मिलने वाले हैं। 70mAi की ब्रांडिंग है ये, और ये कुछ फीचर्स जो मैंने पहले आपको बताए, GPS इनेबल्ड है ये। चलिए देखते हैं क्या MRP है इस कैमरा का। तो यहाँ पे इस कैमरा का जो MRP है ये लिखा गया है 11,999 रुपये, जबकि ये इसको हमने अमेज़न से परचेज़ किया है। लोकल मार्केट में हमें ये कैमरा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हम लोग अमेज़न की तरफ गए और वहाँ से इस कैमरा को परचेज़ किया है। ये कैमरा अमेज़न से हमें यहाँ प्रीपेड ऑर्डर था, इसलिए बाहर नहीं लिखा गया है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, ये 7499 का ये कैमरा हमें अमेज़न से मिला है। चलिए दोस्तों इस कैमरा की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इस कैमरा के अंदर से हमें क्या क्या मिलता है। पहले तो काफ़ी अच्छी ये केसिंग है और पॉलीथीन का एक कवर बाहर से लगा हुआ है, ताकि पानी या मॉइस्चर एट्सेट्रा इसके अंदर तक ना पहुंच पाए। लुक दिस गाइज, ये इसकी बॉक्सिंग ही काफ़ी प्रीमियम लग रही है। चलिए अंदर देखते हैं, और ये अंदर से 70mAi। सबसे ऊपर इसके इसमें आपको जो इसकी कैटलॉग या कुछ इंस्ट्रक्शन बुक एट्सेट्रा है वो होगी, और उसके बाद ये है कैमरा। देखिए ये डिस्प्ले के साथ कैमरा है विद GPS अडास सिस्टम, और इसके कुछ ये बटन्स भी हैं इसमें। काफ़ी अच्छा कैमरा है, और चलिए वो तो इंस्टॉल करने के बाद एक बार रिव्यू करेंगे किस तरह से ये कैमरा काम करता है और क्या इसकी क्वालिटी है, किस तरह से इसकी फंक्शनिंग है। ये GPS इनेबल्ड है जैसे मैंने आपको पहले बताया है, और इसका जो ये कैमरा है ये मूवेबल है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए बॉक्स के अंदर कुछ और देखें क्या क्या इसके साथ हमें मिल रहा है। ये है, ओह नाइस, ये है USB चार्जर। देखिए कैमरा भी चलेगा और फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। 70mAi का एक चार्जर भी आपको इसके साथ मिल रहा है, अप्रॉक्स 500-600 रुपया, तो इसी की ही कीमत आपको होती अगर इसको आप अलग से परचेज़ करते। और ये है एक स्टिक है, कोई प्लास्टिक अपहोल्स्ट्री आपको निकालनी हो तो उसके लिए ये काम आती है। और इसके साथ दोस्तों ये यूज़र मैनुअल, कैटालॉग या इंस्ट्रक्शन बुक कुछ भी कह लीजिए, ये आपको मिली है। साथ में है ये केबल हार्नेस जो इसकी पावर सप्लाई के लिए है, इस तरफ से कैमरा में और दूसरी तरफ से USB प्लग में लगने वाली है। चलिए दोस्तों इस कैमरा को लोकल एक्सेसरी शॉप पे चलते हैं और इसकी इंस्टॉलेशन करवाते हैं, और कंप्लीट वीडियो दिखाएंगे आपको इंस्टॉलेशन का कि किस तरह से आप इसको इंस्टॉल खुद से भी कर सकते हैं। दोस्तों अपनी इस इको स्पोर्ट के अंदर इस कैमरा को हम इंस्टॉल करवाने लगे हुए हैं, और एट प्रेजेंट हम हैं JMC कारवर्ड। मेरे इलाका हिमाचल के अंदर बहुत ही एक अच्छा एक्सेसरी शॉप है, बड़ी नीट एंड क्लीन फिटिंग भी ये लोग करके देते हैं। अंदर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये कैमरा लगेगा, और ये देखिए सीट के ऊपर ये केबल है और कैमरा, और यहाँ पर इस कैमरा को हम लगाने जा रहे हैं। चलिए जैसे ही ये शुरू होगी इसकी इंस्टॉलेशन, तो साथ साथ आपको इसका कंप्लीट वीडियो दिखाया जाएगा। ये USB जो चार्जर है ये इस पोर्ट के अंदर लगेगा, और यहाँ तक हम इस केबल को इस ए पिलर और रूफ के थ्रू यहाँ तक पहुँचाने वाले हैं अभी। दोस्तों यहाँ पे ए पिलर की जो प्लास्टिक अपहोल्स्ट्री है उसको निकाला गया है, और यहाँ सॉकेट इस वायर को यहाँ तक हम लाने वाले हैं।
एक बार प्लग ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने सफिशिएंट साइज़ की केबल को आगे छोड़ लिया है प्लग इन करने के लिए कैमरा के साथ, और बाकी को रूफ़ के अंदर छुपा के ए पिलर की अपहोल्स्ट्री के अंदर से लाते हुए और डैशबोर्ड के पीछे से सीधा इसके मैट के नीचे से लाके हम इसको यूएसबी पोर्ट तक पहुंचाने वाले हैं। काफ़ी लंबे साइज़ की केबल साथ में दी गई है ताकि आपको इसको किसी भी रास्ते से आपको वहां पहुंचाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, ये हमारी केबल डल चुकी है ए पिलर, और देखिए इस तरह से डैशबोर्ड के साथ और इस मैट के नीचे से होते हुए हमने फाइनली अपनी इस केबल को पहुंचा लिया है यहाँ इस पोर्ट तक। ये कैमरा के अंदर किसी तरह के स्टोरेज की ऑप्शन नहीं होती है जो हमारे डैश कैम्स होते हैं, तो इसके लिए हमने एक सैमसंग ईवो का मेमोरी कार्ड जो साथ में परचेज़ किया था उसको इसके अंदर इंस्टॉल किया है ताकि इसकी हम टेस्टिंग कर पाएँ। उसके बिना ये किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा। तो इसको लगा के इसके ऊपर देखिए GPS का ढक्कन और जो पेस्टिंग के लिए इसके ऑलरेडी इसके ऊपर एक टेप, डबल टेप लगी हुई होती है। उसके बाद चलिए देखते हैं ये किस तरह से यहाँ की व्यू को रिकॉर्ड कर पाता है। ये कुछ इस तरह से इस कैमरा को हम यहाँ लगाएंगे और यहाँ से कैमरा को मूव कर सकते हैं। सो फाइनली हमारे ये प्लग इन हो चुका है कैमरा और प्राइमर लगाया जा रहा है, उसके बाद इसे हम पेस्ट करने जा रहे हैं। एक बार ये कैमरा यहाँ पे पेस्ट हो जाए तो मैं आपको उसके आगे का व्यू दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इस कैमरा को यहाँ फिट होने के बाद भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसका जो व्यू है अप एंड डाउन, आपको आप कैमरा को रोटेट करके हल्का सा इसको ट्विस्ट करके आप व्यू को चेंज कर सकते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हो गया है इंस्टॉल। अभी इसके अंदर वायर लग गई है, अब मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये फोकस करके कुछ डार्क आ रहा है। यहाँ देखिए, ये सामने शॉप दिख रही है और यहाँ से ट्विस्ट करके हम इसके व्यू को एडजस्ट कर सकते हैं जिस भी एंगल पे हम इसको रखना चाहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हुड को साथ ले लेते हैं गाड़ी के, उसी एंगल पे इसको रखेंगे और फाइनली अपहोल्स्ट्री एक्सेट्रा को फिट किया जा रहा है और ये कैमरा इंस्टॉल हो गया है। इसको सिन यूज़ करने के बाद हम लोग इसे रिव्यू करेंगे किस तरह की इसकी फंक्शनिंग है, क्या ये क्वालिटी कैमरा देता है। तब तक आप जुड़ रहे हैं आपके अपने लविंग ऑटोमोटिव चैनल टॉर्क एंड टूर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा लें। कमेंट सेक्शन आपके पास है, कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप उस कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।